Hello student, welcome on my YouTube channel Easy Electronics by Ajay Lakhara. Student, आज हम opamp का next work पढ़ने जा रहे हैं. Opamp is summing, scaling, averaging, amplifier. तो स्टूडेंट जैसा कि टॉपिक का नाम है हम क्या करने जा रहे हैं, हम ओपेम्प का वर्क देखने जा रहे हैं इज समिंग स्केलिंग एंड एवरेजिंग एम्पलीफायर. कि ओपेम्प इज समिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क कर सकता है, स्केलिंग एम्पलीफायर की तरह भी वर्क कर सकता है और एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह भी वर्क कर सकता है. तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहें हम तो क्या होती है कि अगर जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास में वो इक्वल हो जाए सम ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है सर, और ये सम भी कैसा होना चाहिए, अलजेब्रिक सम. अलजेब्रिक का मतलब उनका एडिशन कर दिया हमने, जैसे वेक्टर के एडिशन करते हैं हम उसी तरीके से. तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में, ये हो जाएगा ए समिंग एम्पलीफायर. एक एक करके हम तीनों एम्पलीफायर करेंगे. तो सबसे पहले समिंग एम्पलीफायर देखते हैं हम. तो इसका जो सर्किट होगा, चलो मान के ये चलते हैं केस, हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला केस लेते हैं. तो हमें पता है इन्वर्टिंग अगर हम बनाना चाहें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से हम बनाने जा रहे हैं समिंग एम्पलीफायर. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास में क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आउटपुट है. पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर देते हैं हम, ग्राउंडेड कर देते हैं, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उस पे हम क्या करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे तो फीडबैक रजिस्टर सेम ही है जैसे होता था पहले, थोड़ा सा ना मॉडिफाई करने पड़ रहा है जो नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग ओपेम्प था उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें ये वाले मिल रहे हैं. तो इतना तो सेम ही था, सिर्फ क्या चेंज हुआ कि जो हमने एक इनपुट दी थी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, वहां पे हम क्या करेंगे, मान लो मोर देन वन इनपुट दे रहे हैं, मान लो हम तीन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट. तो तीन इनपुट दे रहे हैं तो तीन रजिस्टर भी लगाने पड़ेंगे. स्टूडेंट रजिस्टर इसलिए लगाए जाते हैं कि जो सर्किट होता है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए रजिस्टर लगाए जाते हैं. तो जहां भी वोल्टेज जा रही है वहां पे एक रजिस्टर जरूर लगेगा. तो एक और हो गया ये, तो तीन इनपुट दे दी मैंने, V1, V2, V3 और तीन रजिस्टर R1, R2, R3. तो ये क्या है, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का. ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है, ओपेम्प ही है, पर ये एज ए समिंग एम्पलीफायर वर्क करेगा. अब कैसे करेगा तो देखिएगा स्टूडेंट, हम इसके लिए आउटपुट वोल्टेज की जो डेरिवेशन है वो ड्राइव करते हैं. तो हमें पता है यूजिंग वर्चुअल इक्विवेलेंट सर्किट आउटपुट वोल्टेज कैन बी इन टर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज एज, जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इक्वल होगी. अब कौन सा हमने लिया है, ये जो सर्किट लिया है हमने ये कौन सा है, इन्वर्टिंग वाला है, इसलिए
इन्वर्टिंग के अंदर ही क्या होगा, इसके हम वोल्टेज निकालेंगे। तो इन्वर्टिंग के अंदर हमें पता है कि क्या होता है, माइनस का आर एफ डिवाइड बाय आर वन और इनटू में वोल्टेज होती है, पर क्या है इनटू, देख लीजिए एक बार कि आर वन अपॉन में ये होता था, पर यहां पे इनपुट कितनी है वोल्टेज की, 3 है, तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, और यहां पे इनपुट के रजिस्टर एक न होके कितने हैं, 3, तो आर वन आर टू आर थ्री, और इसके इनटू में माइनस का आर एफ रहा है, और ये हो गया वी आउटपुट। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है स्टूडेंट, अब अगर क्या है हमारे पास में इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो, और ए के अंदर क्या हो जाए, अगर आर वन आर टू आर थ्री ये तीनों भी इक्वल हो और ये तीनों आर एफ के भी इक्वल हो, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखिए अगर आर वन आर टू आर थ्री आर एफ के इक्वल हो जाए तो जो वी आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ वी वन वी टू वी थ्री। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट है वो क्या है, अलजेब्रिक सम है इनपुट वोल्टेज का। तो हम लिख सकते हैं कि दिस शोज दैट आउटपुट वोल्टेज इज अलजेब्रिक सम ऑफ इनपुट वोल्टेज, और यही क्या थी, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमने जब डेफिनेशन की थी तो उसकी डेफिनेशन थी कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो सम होगी अलजेब्रिक सम इनपुट वोल्टेज का। अब इसी को, यही सर्किट है हमारे पास में, पर अगर हम ये देखना चाहें स्केलिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना चाहें, स्केलिंग एम्पलीफायर की तरह अगर वर्क करेगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो आर एफ है वो भी डिफरेंट हो, और आर वन आर टू आर थ्री जो है ये भी क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब वही बिल्कुल इक्वेशन जो हमारे पास में आई थी, अगर ये रिजल्ट मिले, ये तो रिजल्ट इससे मिलना ही मिलना है, अगर आर एफ और आर वन आर टू आर थ्री ये इक्वल ना हो तो हमारे पास में आउटपुट ये आएगी, और अगर ये आउटपुट मिल रही है तो जो हमारा ओपेम्प है वो एज ए स्केलिंग एम्पलीफायर वर्क करेगा, और अगर क्या हो जाए ये आर वन आर टू आर थ्री आर एफ इक्वल हो जाए तो हमारे पास में ये क्या करेगा, एज समिंग ओपेम्प वर्क करेगा। और तीसरा अगर हम करना चाहें इसका, अगर कि एज एवरेजिंग एम्पलीफायर, अगर एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह हमें ओपेम्प को वर्क करवाना है तो क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा कि जो आर वन है आर टू है और आर थ्री है, मान लो ये तीनों किसके इक्वल है, आर के, मतलब तीनों सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है, और आर एफ क्या है, डिफरेंट है इस आर से, ये आर एफ क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी आउटपुट है वो क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ आर एफ बाय आर वी वन वी टू वी थ्री। और अगर मैं क्या कहूं कि ये जो आर एफ बाय आर है ये इक्वल हो जाए 1/n के, मतलब n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ इनपुट है, कितनी इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और अगर ये 1/n के इक्वल हो गया, और इस केस में जहां पे हम 3 इनपुट ले रहे हैं वहां पे ये क्या हो जाएगा, 1/3,
अगर हम ये केस लेके चलते हैं तो हमारे पास में V आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डिवाइड बाय 3, और यही क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसलिए एज ए एवरेजिंग एम्पलीफायर वर्क करने लगा। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा स्टूडेंट, कि हमने इन्वर्टिंग ओप एम्प में मॉडिफिकेशन की, क्योंकि फिर क्या था, इनपुट टर्मिनल में हम वोल्टेज दे रहे थे, तो इनपुट अगर हम इन्वर्टिंग जो ओप एम्प है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करके एज ए समिंग, एज स्केलिंग और एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क कर सकते हैं। और यही केस अगर हम क्या करें, ये तो क्या था, इन्वर्टिंग ओप एम्प में मॉडिफिकेशन था, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था। और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प में मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हमें सेम ही रिजल्ट मिल सकता है। तो स्टूडेंट उसको समझते हैं आप, उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं फॉर नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। ये क्या थी, इसकी आउटपुट थी यहां पे नेगेटिव, यहां पे चलो मान के चलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल था, और यहां पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल करते हैं आप। इसको तो कर दिया ग्राउंडेड, यहां पे जो क्या है फीडबैक रजिस्टर है उसको भी मैंने क्या कर दिया ग्राउंडेड। यहां पे जो इनपुट है वो मान के चलते हैं इस केस के अंदर भी कितनी है, 3 है, ठीक है स्टूडेंट, वी वन वी टू वी थ्री, और जो इसका रजिस्टर है वो आर मान के चलो आर के इक्वल है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम सुपर पोजीशन थ्योरम लगाते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो 1 प्लस में आर एफ बाय आर वन टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, ये मिलेगी स्टूडेंट हमें, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अगर हम समिंग स्केलिंग और एवरेजिंग वाला बनाना चाहें केस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये वाला फैक्टर जो है 1 प्लस में, इसी के केस बनाते हैं अच्छे से समझने के लिए, कि 1 प्लस में आर एफ बाय आर वन जो है वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इनपुट के, जो यहां पे कितनी है, 3 है, तो ये वाला 3 है, तो यहां पे देखिएगा 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो वी आउटपुट है वो इक्वल हो जाएगा अलजेब्रिक सम ऑफ वी वन वी टू और वी थ्री। तो ये किसकी तरह वर्क करने लगा, ये वर्क करने लगा एज ए समिंग एम्पलीफायर। अगर इसका मैं, इसको केस नंबर 1 दे देते हैं, अगर मैं इसका दूसरा केस लेना चाहूं, क्या कि अगर क्या हो जाए, मेरे को इसको वर्क करवाना है एज ए एवरेज एम्पलीफायर, तो 1 प्लस में आर एफ बाय आर वन ये 1 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वाला फैक्टर मेरा 1 हो जाए, ये हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ फीडबैक रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर की वैल्यू जो है उसको चेंज करके। यहां पे जो मैं आर वन लिख रहा हूं वो हमारे केस के अंदर क्या लिया है मैंने, आर लिया है,
आप इसको R1 ही लिख ले जाएं क्योंकि ये इनपुट रजिस्टर है। अगर ये 1 हो जाए स्टूडेंट तो क्या होगा, जैसे ही इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहां पे क्या होगा कि V आउटपुट जो है वो इक्वल हो जाएगा V1 V2 V3 का 3 डिवाइडेशन। और ये क्या है, अगर ये इनपुट से हमें आउटपुट मिल रहा है, जैसे ये आउटपुट मिलेगा हम कह सकते हैं कि हम एवरेज मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है हमारा नॉन इन्वर्टिंग जो ओपेम हमने लिया है उसकी मॉडिफिकेशन। और अगर हम इसको स्केलिंग की तरह वर्क कराना चाहें तो वो तो ये है ही, ये वाला रिजल्ट कि RF और R1 क्या हो, डिफरेंट हो, तो ये एज ए स्केलिंग एम्पलीफायर की वर्क करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया है, नॉन इन्वर्टिंग जो ओपेम्प है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके क्या कर लिया, तीन तरह से ओपेम्प को वर्क करवा लिया। या तो हम समिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करवा सकते हैं, या एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह, या स्केलिंग एम्पलीफायर की तरह स्टूडेंट। और इसका यूज क्या होगा, सबसे मेन बात आती है कि यूज क्या है इसके, इसके सबसे बड़े यूज यही है स्टूडेंट कि हम इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स में वर्क करवा सकते हैं। क्या दूसरा क्या है कि जो एसी है डीसी है उनको क्या कर सकते हैं, एसी और लिख लीजिएगा क्योंकि एंड का मतलब तो होता है इन दोनों को जोड़ना, फिर यहां पे और है मतलब, या तो एसी एसी को जोड़ सकते हैं या डीसी डीसी को जोड़ सकते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं हम ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका पहला था, ये इसका दूसरा यूज था, तो इसके ये दो सबसे मेन यूजेस हो गए स्टूडेंट।